अब आ जाते हैं आपके डिनर पे। जब इतनी हल्की इफ्तार कर रहे हो तो मुझे अंदाजा है डिनर में लाजमी भूख लगेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। दोस्तों बिल्कुल सही आपने पढ़ा है कि एक हफ्ते में 5 केजी तो एग्जैक्टली नहीं कहूंगा, तकरीबन 5 केजी तक वजन कम होगा। ये रमजान का डाइट प्लान जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और ये मैं आपको क्यों बताने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपना रमजान का पेट डाइट प्लान बनाया, बहुत सारे लोगों ने लिया, कुछ लोगों को तो 10 दिन में 5 केजी कम हो गया, कुछ का 2 केजी 3 केजी, बड़े सारे लोगों ने कहा कि भाई ईद करीब आ रही है, कोई आप ऐसी चीज बताएं और वीडियो में बताएं कि हमारा 5 केजी कम हो जाए, हमारा 5 केजी। अब मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 1 से 2 हफ्ते का। वैसे तो एक हफ्ते में इंशाल्लाह 4 से 5 केजी इस डाइट प्लान से वजन जाएगा। थोड़ा एक्सट्रीम डाइट प्लान है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल डाइट प्लान है। अगर कहीं पे भी आपको लगे आपका रोजा मुश्किल बन रहा है, रोजा खराब हो रहा है, तो आप इस डाइट प्लान को नहीं करेंगे, आप रोक देंगे, क्योंकि आपकी पहली तरजीह जो होनी चाहिए वो इबादत और रमजान होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये मैं मुश्किल कह रहा हूँ, आपको नॉर्मल लग रहा है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, तो आप इसको एक हफ्ते फॉलो करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक और बना दूंगा कोशिश करके। कोशिश करें ईद से पहले पहले अपना 8 से 10 नहीं तो 7 केजी 6 केजी वजन कम करें और अपने ईद। लेकिन हाँ, वार्निंग दे दूं, अगर इन चीजों पर आप अमल करते हैं तो अगर आपने पहले से ईद की शॉपिंग कर ली है तो आपके कपड़े वो आपको फिर फिट नहीं आएंगे, वो लूज हो जाएंगे अगर आपने इतना सारा वजन कम कर लिया। मजाक कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा टारगेट है कि ईद से पहले पहले आपका 5 से 7 केजी वजन कम करा दूं, 1 या 2 वीडियो में। आज हम बना रहे हैं जो डाइट प्लान 1 हफ्ते का है, इससे आप आराम से अपना 5 केजी तक 4 केजी तक वजन कम कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 केजी मैं बोल रहा हूँ, किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 4 होगा, ठीक है। डाइट प्लान अपना शुरू करते हैं, वक्त जाया नहीं करते। सहरी के 7 रेसिपीज बताऊंगा, 7 चीजें बताऊंगा, इफ्तार बताऊंगा, डिनर बताऊंगा, पूरे 7 दिन आपने इनको फॉलो करना है और प्रॉपर फॉलो करें, जिस तरीके से बता रहा हूँ आगे पीछे कुछ भी नहीं करना, आपका आराम से इंशाल्लाह 5 केजी तक वजन कम होगा। वीडियो शुरू करें। अच्छा, ये जैसे कि मैंने बताया कि आज के इस डाइट प्लान से आपका आराम से 5 केजी तक वजन कम हो सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट डाइट प्लान है, शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले सहरी से शुरू करता हूँ। सहरी के 7 दिन आपने करना है क्या, मैं आपको बताऊं, Day 1, Day 3 और Day 5 आप क्या करेंगे, 2 अंडों की सफेदी का ऑमलेट बनाएंगे बहुत सारी सब्जियां डाल के, और उसको एक मल्टीग्रेन आटे या लाल आटे की चपाती के साथ खाएंगे। चपाती 30 से 40 ग्राम की होनी चाहिए, इससे ऊपर की नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस सहरी से पहले आप 1 ग्लास नीम गर्म पानी या नॉर्मल पानी में, या तो 1 चम्मच इस्पाकॉल डाल के पियेंगे या 1 चम्मच चिया सीड डाल के पियेंगे, ठीक है जी। 7 दिन का ये अमल होगा, और उसके बाद आप जो अपना ये अमल बोल रहे हो, 7 दिन का ये तरीका होगा, उसके बाद अपना ये आप सहरी करेंगे। सहरी करने के बाद चाहे तो चाय पी लें, चाय पिए तो कम चीनी की पीजिएगा, चाहे तो दूध पी लें, खजरा पीनी अवॉइड करेंगे आप, ठीक है। खजूर सहरी में एक लाजमी खा लें, इन चीजों पर अमल करें, सहरी आपकी कंप्लीट हो गई। पानी पिए, पानी कोशिश करें इफ्तार से सहरी के बीच में ज्यादा पिए, एकदम सहरी करके 3-4 गिलास पानी ना पिए, 1 से 1.5 गिलास पानी पिए, 1 गिलास पहले हो गया, 1 से 1.5 गिलास बाद में हो गया, इतना कि आपकी प्यास बुझ जाए और आपको ब्लोटिंग ना हो, ठीक है। दूसरे दिन और चौथे दिन आप क्या करेंगे, ओट्स का एक बॉल बनाएंगे, मतलब ओट्स जो होते हैं ना, या तो जौ का दलिया ले लें या ओट्स ले लें, उनको आप 3 से 4 चम्मच 1 कप पानी में बॉइल करें, पानी में कीजिएगा, दूध में ना कीजिएगा, ठीक है। उसको निकालें, उसमें सिनेमन पाउडर डालें, उसमें चिया सीड 1 चम्मच स्प्रिंकल कर लें, 2 चम्मच चिया सीड लेने से कोई नुकसान नहीं होता दिन में, 1 चम्मच चिया सीड बगैर भीगे हुए, बगैर सोखे हुए स्प्रिंकल कर लें, ऊपर से कोई एक फ्रूट डाल लें या फिर मसाला ओट्स बना लें। इसको आप 2 दिन कंज्यूम करेंगे, चौथे दिन और दूसरे दिन, ठीक है। अब बच जाता है आपका पहला तीसरा पांचवा हो गया, दूसरा चौथा हो गया, छठा और सातवां दिन बच गया, ठीक है। छठे और सातवें दिन आपने क्या करना है, छठे दिन आपने चिकन बारबेक्यू, क्या कह रहा हूँ, चिकन बारबेक्यू लेना है 1 रोटी के साथ, ठीक है। वो मल्टीग्रेन आटे की चपाती होनी चाहिए और वो चपाती 30 से 40 ग्राम की होनी चाहिए। सातवें दिन आप बेसन की रोटी खाएंगे दही के साथ, बस यही आपकी सहरी होगी। इसके बाद पानी पियेंगे और रोजा रख लेंगे। अच्छा, मेरी बात सुने आप लोग, अगर आप लोगों में से किसी से ओट्स नहीं खाए जाते तो 3 दिन ऑमलेट ले लें, 3 दिन के अलावा 2 दिन आप चिकन बारबेक्यू ले लें, 1 दिन दाल ले लें और 1 दिन बेसन की रोटी ले लें, ये भी ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओट्स का इस्तेमाल करेंगे अगर 2 दिन तो और ज्यादा रैपिड वेट लॉस भी होगा और आपको फायदा भी होगा। ये आपकी 7 दिन की सहरी हो गई। सहरी के बाद इफ्तार बड़े काम की चीज है। इफ्तार में आपने क्या करना है, इफ्तार में आपने जो मैंने पेट डाइट प्लान दिया है उससे भी हटके, जो मैं अपनी वीडियोज में इफ्तार प्लेट बता चुका हूँ उससे भी हटके, आपने इफ्तार में करना क्या है, 1 खजूर खाओगे आप इफ्तार में, उसके बाद 1 गिलास पानी पियोगे, ठीक है। 1 दिन आप सिर्फ और सिर्फ तरबूज का 1 प्याला बनाओगे, मतलब तकरीबन इतना बड़ा प्याला होना चाहिए, उसमें तरबूज होना चाहिए कटा हुआ, वो खाओगे, और उसके बाद आप चने की चाट या लोबिया की चाट खाओगे, एंड दैट्स इट, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। 1 दिन आपका क्या होगा, तरबूज की जगह सेब होगा और उसके अलावा अगेन चने की या लोबिया की चाट होगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। नंबर 3rd डे आपका सिर्फ और सिर्फ खजूर और पानी के बाद टिक्का होगा, 1 चिकन का टिक्का विदाउट चपाती विदाउट एनीथिंग, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, 3 दिन होगा। 4th दिन आपके अपना इफ्तार में खजूर होना चाहिए, खजूर के बाद आपका अगेन कोई एक फ्रूट होना चाहिए, कीवी फ्रूट भी हो सकता है आपका, आपका एक आड़ू भी हो सकता है, और उसके अलावा 2 फुल बॉयल्ड एग होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, 4 दिन होगा। 5वें दिन आपके इफ्तार में आप लोबिया की या सब्जी की सलाद बनाओगे, खजूर के बाद पानी के बाद आपकी वो सलाद होगी, एंड दैट्स इट, ठीक है। 6th दिन आपका इफ्तार जो होगा उसके अंदर आप
छठे दिन इफ्तार के अंदर आप क्या करोगे, दो बेसन के पकौड़े बना लो, बट वो सिके हुए नहीं होने चाहिए, वो सिके हुए होने चाहिए, वो फ्राइड नहीं होने चाहिए। उसके अलावा आपका एक ग्लास चिकन जबीन, अच्छी जो मैंने पिछले दिन बताया ना, इसमें लेमन वाटर या चिकन जबीन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, वो आपके लिए अलाउड है। इसके अलावा आपने क्या करना है, इफ्तार में एक चपाती के साथ आप कोशिश करो, दाल ले लो, यही आपका इफ्तार होगा, यही आपका डिनर होगा, छठे दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, खजूर के बाद। सातवें दिन आप इफ्तार में कोशिश करो कि अगर बगैर ऑयल वाला हलीम मिल जाए ना आपको, तो सातवें दिन आपके इफ्तार में एक खजूर और पानी के बाद हलीम होना चाहिए। हलीम जरा जबरदस्त, उस पर तली हुई हल्की सी प्याज डालो, कोई ऐसा मसला नहीं है, उस पर चाट का मसाला डालो, वो खा लो। अगर हलीम का ऑप्शन नहीं है तो अगेन तरबूज लो, और तरबूज के बाद एक आध पकौड़ा खा लो, एक आध समोसा खा लो, दैट्स इट, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके डिनर पे। जब इतनी हल्की इफ्तार कर रहे हो तो मुझे अंदाजा है डिनर में लाजमी भूख लगेगी। जब आपके डिनर में भूख लगेगी तो डिनर में आपको रोटी अलाउड नहीं है, डिनर में आप चिकन बारबेक्यू लोगे, आप ग्रिल्ड फिश लोगे, आप बॉयल एग ले सकते हो, आप अंडों का ऑमलेट ले सकते हो विदाउट रोटी, या फिर आप डिनर में दाल का सूप ले सकते हो। तीन दिन आराम से आप दाल का सूप ले सकते हो जिसमें चिकन ऐड करो। डाइट प्लान थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन ये डाइट प्लान आपको कम से कम कमजोरी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स जबरदस्त बैलेंस्ड है, आपको कमजोरी नहीं होगी। साथ में एक ग्लास दूध आप पी सकते हो, सहरी में भी पी सकते हो, या इफ्तार के बाद भी पी सकते हो, एक डेढ़ घंटे बाद। हाँ जी, माचा टी का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा इसमें, इफ्तार के एक घंटे बाद माचा टी का इस्तेमाल कीजिएगा। माचा टी आप दूध में भी बना सकते हैं पानी की जगह, ठीक है। तो माचा टी का इस्तेमाल करें, चिया सीड्स का इस्तेमाल करें, मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करें, इन चीजों का इस्तेमाल करें, इस डाइट प्लान को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका एक से डेढ़ वीक में 4 से 5 kg वजन लाजमी कम होगा। वजन कम हो तो मुझे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा हुआ है, इस पर फीडबैक दीजिएगा। और अगर आप में से किसी ने जबरदस्ती अपनी वेट लॉस जर्नी अचीव कर ली और मुझे इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे बताइए। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।